नहीं खरीद पाएंगे चॉकलेट। वजह जानकर कहीं सटक न जाए आपका दिमाग, 2050 के बाद चॉकलेट नहीं मिलेंगे। इस आशंका ने दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है। इस बारे में हजारों खबरें और लंबे लंबे लेख छप चुके हैं कि हम चॉकलेट संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। चॉकलेट का ग्लोबल बाजार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि 2025 तक चॉकलेट का बाजार 2015 के मुकाबले दोगुना हो जाएगा। चॉकलेट की मांग बढ़ने के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं है, इसके पीछे कुछ धारणाएं भी हैं। माना जाता है कि चॉकलेट खाने से बुढ़ापा देर से आता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तनाव कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा चॉकलेट के और भी कई फायदे गिनाए जाते हैं। चॉकलेट सभी को पसंद है, लेकिन चॉकलेट के सबसे बड़े दीवाने कहाँ रहते हैं? दुनिया भर में जितने चॉकलेट का उत्पादन होता है उसका आधा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चट कर लिया जाता है। स्विट्जरलैंड के लोग चॉकलेट की खुशबू और इसकी मिठास के सबसे बड़े दीवाने हैं। 2017 में यहाँ प्रति व्यक्ति 8 किलो चॉकलेट की खपत हुई। चॉकलेट के नए बाजार चॉकलेट से मोहब्बत के मामले में अब भी विकसित देश ही आगे हैं, लेकिन भविष्य में विकास की संभावनाएं कहीं और हैं। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन में चॉकलेट का बड़ा बाजार है और यह बढ़ रहा है। तेजी से होता शहरीकरण, उभरता हुआ मध्य वर्ग और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद ने इन दोनों देशों में चॉकलेट के लिए भूख बढ़ाई है। भारत चॉकलेट के सबसे तेजी से उभरते बाजारों में से एक है। पिछले कई साल से यहां चॉकलेट की मांग लगातार बढ़ रही है। 2016 में भारत में 2,28,000 टन चॉकलेट की खपत हुई, जो 2011 के मुकाबले 50% ज्यादा थी। मीठे के प्रति भारतीयों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। चॉकलेट को स्वाद उनको भा गया है। कुछ लोग इसे सेहत के लिए भी अच्छा समझते हैं। चीन में 80 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों से पहले चॉकलेट एक दुर्लभ चीज थी। खपत के मामले में चीन अब भी काफी पीछे है। यहाँ चॉकलेट की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 1 किलो से कम है। चीन में नए कॉफी कल्चर के उभार ने चॉकलेट के बाजार को बदल दिया है। संपन्न तबके के लाखों लोग बेहतर गुणवत्ता वाले विदेशी चॉकलेट्स की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इस ट्रेंड ने अलीबाबा जैसे रिटेलर को भी अपना बिजनेस मॉडल बदलने पर मजबूर कर दिया है। खतरे में है चॉकलेट। चॉकलेट बनाने के लिए जरूरी है कोको। कोको का पेड़ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में होता है। इसे वर्षा वन के पेड़ों की छांव की जरूरत होती है, इसलिए इसका कृषि क्षेत्र सीमित है। कोको का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में होता है। इसके कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा आइवरी कोस्ट और घाना में होता है। ग्लोबल वार्मिंग के असर से कोको का कृषि क्षेत्र सिमटता जा रहा है। इसके लिए जरूरी आर्द्रता और छांव बनाए रखना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। जिन भौगोलिक भूभागों में कोको के लिए अनुकूल जलवायु है, उनमें से कई इलाकों में खेती पर पाबंदी है। इससे कोको का क्षेत्र और सिमट जाता है। पौधों को संक्रामक रोग कोको का दुश्मन सिर्फ मौसम नहीं है, कुछ बीमारियां और कीड़े भी इसे नष्ट कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पौधों को लगने वाली बीमारियों की वजह से हर साल 30-40% कोको बर्बाद हो जाता है। आइवरी कोस्ट ने ऐलान किया कि वह 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगे कोको के पौधों को नष्ट करेगा, क्योंकि उनमें वायरस लग गए हैं। इन इलाकों में दोबारा पौधे लगाने में कम से कम 5 साल लगेंगे।